direct sales on it. So before starting the paid one, let's discuss the steps of the paid. And this step we are going to apply on every single paid campaign. ये जो स्टेप्स हैं, जैसे हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का स्टेप डिस्कस किया था, बेटा आपने क्या बोला? इन द सेम वे अगर पेड एडवर्टीजमेंट, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ पेड एडवर्टीजमेंट, दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो. दिस इज द ओनली वे टू गेट योर पेड एड अप एंड रनिंग. द डिफरेंस इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रूल्स एंड रोल्स. ओनली डिफरेंस इज ओके. योर टारगेटिंग ऑप्शन विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म. Your ad copy characteristic will be different from different platform. This is the only difference. So let's understand this one, and then we will do the practical on each platform. Whenever you are doing paid ad, first step is by default create account on that platform. When you are creating account. If you are doing paid ad and you are creating account, money transaction is going to happen. So this is wherever money transaction is going to happen, there are some rules, regulations, laws and taxations are in place. So for that purpose, whenever you will create paid account, they will ask for three account level information. It is called account level information. That information is country, currency and time zone. The similar things which we are asked. Yes. Start going. Yes, yes, yes. So even you will do the Facebook advertisement, this account level information Facebook will ask from you. If you will do this advertisement from LinkedIn, they will ask you country, currency, time zone. And this information you cannot change. Target audience.
advertisement, the best part of paid advertisement, you have all the control. जो आपके फ्री में नहीं है आपके पास, यू आर डूइंग, आज चेंजेस करेंगे, तीन दिन बाद गूगल का क्रॉलर आएगा, तीन दिन बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा, बट पेड एडवर्टीजमेंट में यू हैव ऑल द कंट्रोल, यू विल डू द चेंजेस राइट नाउ, आई वांट टू शो माय एड ओनली टू द नोएडा, यू शो एड विल शो ओनली टू द नोएडा, अभी मैं चेंज करूंगी नहीं, मुझे नोएडा में नहीं दिखाना, गुड़गांव में दिखाना है, तो अभी के अभी नोएडा में एड दिखना बंद हो जाएगा, गुड़गांव में दिखना शुरू हो जाएगा, सो दैट लेवल ऑफ कंट्रोल यू हैव इन द पेड एडवर्टीजमेंट. So, not only that location wise, all the control. किस डिवाइस पर दिखाना है, किस लोकेशन पर दिखाना है, किस टाइम में दिखाना है, किस डे में दिखाना है, किस ऑडियंस को दिखाना है. So, every control you have because you are paying. Right? So, target audience, it depends on the platform, which platform you are targeting. They will give you different options for targeting. अगर AdWords में target कर रहे हैं, AdWords is for Google. AdWords is for Google. So if you are doing AdWords targeting, then you have option for location, time, or day, or keyword. आप इसको AdWords कर रहे हैं, Google कर रहे हैं या search में कर रहे हैं? Search ad. When you are doing search ad, so you have option for location, time and कीवर्ड्स, किस कीवर्ड पे करना है, किस टाइम पे करना है एंड किस कीवर्ड पे टारगेटिंग करनी है. व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह में जाएंगे, एफबी पे यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस फॉर टारगेट एज वेल. फेसबुक पे क्या, जितनी इंफॉर्मेशन एज अ यूजर आपसे वो ले रहा है, सारे इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजर को एज अ टारगेटिंग ऑप्शन दे देता है. मीन्स आपका जेंडर क्या है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट लोकेशन तो होता ही है. यू कैन ऑल्सो डू द डिवाइस टारगेटिंग कि मेरी एड केवल मोबाइल पर चलनी चाहिए. यू कैन एड अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन कि केवल ओनर को मेरी वेबसाइट मेरी एड चलनी चाहिए. यू कैन टारगेट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री कि केवल आईटी इंडस्ट्री में मेरी एड, जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री डाला हुआ है वहीं को मेरी एड शो होगी. सो इन सोशल मीडिया और एनी अदर प्लेटफॉर्म यू हैव ऑल द टारगेटिंग ऑप्शंस. इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ मच इंफॉर्मेशन दे हैव कलेक्टेड फ्रॉम देयर ऑडियंस. कौन सा प्लेटफॉर्म अपने ऑडियंस से किस पर्सनल लेवल का इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया है, वही सारे इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजर को एज अ टारगेटिंग ऑप्शन दे देता है. सो वेन यू विल डू टारगेटिंग ऑन लाइक लिंक्डइन, तो लिंक्डइन में आप यू कैन टारगेट अकॉर्डिंग टू कंपनी. इंफोसिस के लोगों को भी अपनी ऐड को चलाने, केवल सीएससी के लोग ही मेरी ऐड को देखेंगे. सो दैट लेवल ऑफ टारगेटिंग यू कैन आल्सो. सो द नेक्स्ट ऑप्शन ही यू हैव टू सेलेक्ट द राइट टारगेट ऑडियंस. व्हेनेवर यू आर डूइंग पेड एडवर्टाइजमेंट, इट्स वेरी टेम्पटिंग टू टारगेट वेरी वाइड ऑडियंस. इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस एंड वेरी टेम्पटिंग टू टारगेट दैट इंटायर इंडिया के लोगों को टारगेट कर लेते हैं, इंटायर वर्ल्ड के लोगों को टारगेट कर लेते हैं. But the base should be always very good. Do conservative targeting on the initial stage. Whenever you are just starting, do as much conservative targeting as possible. Fast targeting. Yes. Starting में जब आप mature हो रहे हैं, तो आप just testing and think. You want to know कि actually result आ रही है कि नहीं. बिकॉज ये पेड एडवर्टीजमेंट है, पैसे रात में सो गए सुबह में खत्म हो जाए. कितने लाखों में क्लिक्स मिल गए, कितने इंप्रेशंस हो गए, कितने क्लिक्स हो गए, उसके अकॉर्डिंगली पैसे कटते जाएंगे. सो यू डोंट नो कि दे विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि आपकी ऑडियंस सेलेक्ट किया उसका, इसके अकॉर्डिंग आपकी रीच 5 लाख लोगों तक आपकी रीच है. आपने जो बजट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली 5,000 लोगों तक आपकी एड शो हो सकती है. सो दे विल गिव यू एन आइडिया. Even I would suggest start with a very conservative target, very exact target, very, well, I know that digital marketing training course, I want only my ad to display for this video. I don't want the digital marketing course to be right for my ad show. But when we start the
say that the companies are tempted to do कि no digital marketing कोई भी web पर भी ad आनी चाहिए सबसे ऊपर आनी चाहिए but the idea is that start with a conservative target and grow your audience gradually. Right now I am starting. I am going to target only professionals. Suppose I am going to target only professionals of Noida, IT professionals of Noida. Then I will have that exact targeting कि IT professionals होने चाहिए, Noida के बंदे होने चाहिए, वो employed होने चाहिए या not employed. I can check that. So after getting little bit of stats, वो हमारे पास कुछ factors आ जाएंगे, तो stats आ जाएंगे, then I can analyze कि okay this is performing. Now I can move to the students as well. Now I can move to the businessman as well. Now I will move to the housewife as well. But I will never start with everyone. Because the information you are collecting, the stats you are collecting is very helpful in deciding in which direction I will move to. So next is your targeting option. Third is ad copy. किसी भी पेड एडवर्टीजमेंट में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पेड ऐड कर रहे हो ऑप्शन आपके पास क्या होगा एड कॉपी बनाने का. अब एड कॉपी जो जनरली यूट्यूब में आप एड कॉपी लिख बनाएंगे तो क्या होगा वीडियो एड सर्च में जनरली टेक्स्ट एड हम देखते हैं डिस्प्ले में जनरली हम लोग केवल इमेज एड देखते हैं कहीं कहीं पर सारे का मिक्स करके हाइब्रिड एड वीडियो टेक्स्ट इमेजेस सबको मिलाकर के ऐड बनाया है. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ऐड कॉपी एंड दिस डिफर अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म. जैसे सपोज एडवर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका टेक्स्ट ऐड का 25 35 35 मींस टाइटल 25 का डिस्क्रिप्शन लाइन 1 35 का डिस्क्रिप्शन लाइन 2 35 का एंड डिस्प्ले यूआरएल 35 का. कैरेक्टरिस्टिक फॉर एडवर्ड. आप फेसबुक में जाएंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक 25 20 20 चेंज हो जाती है. उसमें इमेज भी साथ में यूज कर सकते हैं. उसमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लाइन 1 ही यूज होता है, डिस्क्रिप्शन लाइन 2 यूज नहीं होता है. सो व्हेन यू गो टू दैट डिस्प्ले ऐड तो साइज कहीं पर लिंक्डइन में ऐड करेंगे 50x50 का आइकन देना होता है. फेसबुक में ऐड करेंगे तो उसका साइज डिफरेंट होता है. सो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म एज अ कॉपी क्या डायमेंशन या कैरेक्टरिस्टिक या ये जो गाइडलाइंस है वो डिफर होते हैं. सो एज अ पेड एडवर्टाइजर इट्स योर जॉब इट्स माय जॉब टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द ऑप्शन व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट पेड एड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. जैसे सपोज यू आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट ऑन फेसबुक तो फेसबुक में यू कैन नॉट हैव एड कॉपी हैविंग मोर देन 20% ऑफ टेक्स्ट इन इट. अगर इमेज एड्स चला रहे हैं उसमें 20% से ज्यादा टेक्स्ट है तो रिजल्ट करते हैं. So you have to understand, if you have to get mastered, then you have to understand the platform specific guidelines of the ad copy. From where can I get this guidelines? Every platform provides this guidelines. Yes. As you start running your ad, I will show you where they will give you the guidelines. Yes. You have to get the guidelines, send it to your designer. If you are having that design or aap banwa rahe ho kisi aur se, you have to share this guidelines with the designer as well. कि आपको इसी डायमेंशन से बनाने हैं. अदरवाइज होता क्या है वो बना करके दे देते हैं खबर लगता है ये तो रिजेक्ट हो जाएगी. यस मोबाइल गाइडलाइंस में इसके अकॉर्डिंग भी अलग आती है. सो दे गिव यू दैट ऑप्शंस की मोबाइल पे करना है या डिवाइस के अकॉर्डिंग. बहुत सारे अब एडवर्ड में क्या हो गया है कि डिवाइस इज एवरी डिवाइस पे आपकी एड चलेगी चलेगी. Initially, like 2 years back, till 2 years back, it was I can do the device targeting. I can select कि मेरी ad केवल tablet पे चलनी चाहिए, केवल mobile पे चलनी चाहिए, केवल desktop पे चलनी चाहिए. But now it's not. You cannot do that. You have it's compulsory your ad will run to every device because 40% of users mobile से आ रहे हैं. अगर मैंने select कर लिया ज़्यादा और advertiser ने select कर लिया desktop, तो Google का पैसा नहीं हो. Google का value ऐसे ही down हो जाएगा. So what they have given you option to build device level bidding. Device level targeting बंद कर दिया, उन्होंने दे दिया device level bidding. कि आप device आपको add आप कर रहे हो तो आपके सारे device पे चलेगा, लेकिन आप bid amount different रख सकते हैं. Means desktop पे होगा तो मैं ज़्यादा pay कर देगी, अगर mobile पे हो रहा है तो मैं कम pay कर देगी.
But in Facebook, you have a very separate thing. You can decide कि आपकी ad mobile पे चलेगी या नहीं चलेगी. You can select कि नहीं mobile पे नहीं चलेगी तो mobile पे नहीं चलेगी. So in that, these are the three steps. First, you have to create the account with account level information. Second, it's a target audience. You have to decide to whom you want to show your ad. And third, you have to decide what you want to show as your ad. And fourth is campaign creations. When I'm saying campaign creations, when you are actually running your ad. Till now you are preparing to run your ad. Now you are actually running your ad. So when you actually run your ad,